नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। नवी मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की कोशिश करने वाले आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 60 से 70 लोग सलमान खान की हर मूवमेंट की रखते थे खबर। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की निकाली थी सुपारी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में तेजी से फैल रहा है जीका वायरस। अब तक 6 मामले आए सामने। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इन मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी है शामिल। लोनावाला के भूसी डैम में अंसारी और सैयद परिवार के बह जाने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने घटना स्थल का दौरा कर लिया बड़ा फैसला। लोनावाला में शाम 6 बजे के बाद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। चेंबूर के आचार्य और मराठे कॉलेज में हिजाब के बाद अब जींस और टी शर्ट पर लगाया गया प्रतिबंध। सोमवार को 40 के करीब छात्र छात्राओं को कॉलेज के अंदर नहीं मिला प्रवेश। कॉलेज प्रशासन ने की शालीन कपड़े पहन कर आने की अपील। कॉलेज प्रशासन के फैसले पर छात्र छात्राओं ने जताई नाराजगी। मुंबई करों के लिए गुड न्यूज। 4 जुलाई से शाम 5 बजे से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा गोखले ब्रिज। इस ब्रिज के खुलने से अंधेरी पश्चिम में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जुहू तक का लगभग 9 किलोमीटर लंबा सफर महज 15 मिनट में किया जा सकेगा पूरा। महाराष्ट्र में जुलाई के पहले सप्ताह में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में राज्य में होगी भारी बारिश। अगले 72 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ के लिए दी गई है चेतावनी। भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि की हासिल। प्री ओपनिंग सेशन में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने रचा इतिहास। 300 अंकों की जोरदार उछाल के साथ पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। केंद्रीय बजट इस महीने के आखिरी सत्र में किया जाएगा पेश। हरियाणा के करनाल में हुआ ट्रेन हादसा। तरौली रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर की अपील कि वो 181 महिला हेल्पलाइन के बंद होने और आयोग यानी कि DCEW के व्यवस्था पर दे ध्यान। मालीवाल ने DCEW के समक्ष आ रही कई समस्याओं का किया जिक्र, जिनमें धन की कमी, बजट में कटौती और कर्मचारियों को हटाना है शामिल। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलते हुए सभी सांसदों और स्पीकर को दी बधाई। साथ ही तंज कसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि हरी हुई सरकार है विराजमान। जनता कह रही है ये चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली है सरकार। मुसीबत बनकर कई जगहों पर बरस रही है मानसून की बारिश। गुजरात, असम और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लगातार बारिश से उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी। गुजरात के कई शहरों में बारिश से मचा हाहाकार। वलसाड, नवसारी, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में बरसात के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शहर बन गया है समंदर। अहमदाबाद में लोगों के घरों में घुसा पानी। राजधानी दिल्ली के रिंग रोड पर हुआ हादसा। यात्रियों से भरी DTC बस अनियंत्रित होकर हुई पलटी। हादसे के वक्त बस में सवार 15 यात्री बाल बाल बचे। NDA सरकार पर जमकर बसे अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश ने बनवाई BJP की सरकार। उसी UP के साथ किया गया भेदभाव। विकास के लिए केंद्र से नहीं मिला है UP को कोई बजट। संसद की कार्यवाही से पहले PM मोदी की अध्यक्षता में NDA की रणनीतिक बैठक। PM ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा, पूरी तैयारी और अच्छे आचरण के साथ सदन में रखे अपनी बात। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, वो खुद है आतंकवादी। BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाना है गलत। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान तेज। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बोला हमला। कहा, पकड़े जाने पर सफाई देना कांग्रेस का है लक्षण। जो लोग पूरे हिंदू समाज को हिंसक और नफरती बोल रहे हैं, उन्होंने ही कभी भगवा आतंकवाद का शोध पत्र किया था जारी। पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को न देनी पड़े नौकरी। लोकसभा में एक बार फिर गरमाया EVM का मुद्दा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान सदन में उठाया EVM का मुद्दा। कहा, EVM पर कल भी नहीं था भरोसा और आज भी भरोसा नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने दिया अंतिम मौका। कोर्ट ने मामले में 26 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान पेश होने का दिया है आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटाने के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने कहा, मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के है खिलाफ। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने दावा किया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार जल्द ही बंद कर सकती है मुफ्त बिजली योजना। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश का जताया अनुमान। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा है कुछ भी गलत। बीजेपी के लोग चुनाव हार गए तो हिंदुओं को गाली देना कर दिए है शुरू। अयोध्या के लोगों को भी बीजेपी वाले दे रहे हैं गाली। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने दी प्रतिक्रिया। कहा, राहुल गांधी ने गलत बोला कि हिंदू कभी नहीं करता है हिंसा। बीजेपी ने भी कभी हिंसा नहीं की। राहुल गांधी को अभय मुद्रा का नहीं है ज्ञान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।